नमस्कार, सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि किसी अपराध के संज्ञान लेने का कोई अपवाद या परिसीमन होते हैं। अगर होते हैं तो क्या, अगर किसी अपराध के संज्ञान लेने में देरी हो जाए तो उस देरी को क्षमा की जा सकती है या उसे बढ़ाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। दूसरा, कैन इट्स डिले बी कंडोन्ड और एक्सटेंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो फ्रेंड, इसी टॉपिक को समझने के लिए अगले स्लाइड पर चलते हैं, जिससे कि और अच्छे से इसे समझा जा सके। अपराध के संज्ञान यानी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के एक्सेप्शंस यानी अपवाद को देखने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 195 से लेकर के 199 के सेक्शन को देखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो आपके समक्ष स्लाइड पे आया हुआ है, ठीक है, कि सेक्शन 195 से लेकर 199 तक ये वो एक्सेप्शन है जो कि समान नियम के अपवाद हैं। और सामान्य नियम क्या है कि अभियोजन किसी भी व्यक्ति के कंप्लेंट के आधार पे शुरुआत की जा सकती है, यानी प्रोसिक्यूशन कैन बी इनिशिएटेड एट द इंस्टेंस ऑफ एनी पर्सन। ठीक, लेकिन सेक्शन 195 से लेकर 199 तक कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें कॉग्निजेंस या संज्ञान लेने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन, यानी कि अगर जितने पब्लिक सर्वेंट हैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो पहले गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल रूल्स पे भी है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि सीआरपीसी के प्रावधान का उल्लंघन होता हो। ठीक, सीआरपीसी तो कहता है कि गिवन सेक्शंस में ऑफेंस का कॉग्निशन लेने से पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का प्रायर सैंक्शन जरूरी है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तो उस रूल्स को वो ऐसा कोई नियम नहीं बनाएंगे जैसे कि सीआरपीसी के प्रावधान का उल्लंघन हो रहा हो। ठीक, सेक्शन 195 जो है वो कहता है प्रोसीक्यूशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक जस्टिस, यानी जब भी कोई अभियोजन लोक सेवक या लोक न्याय से संबंधित अगर है तो कोई भी न्यायालय ऐसे अभियोजन का संज्ञान तब तक नहीं लेंगे जब तक कि एक रिटन कंप्लेंट फाइल न की जाए। ठीक है, ये बात अलग है कि न्यायालय के पास ये ऑप्शन है कि अगर उनके समक्ष ही कोई लोक सेवक कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ वो कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं जिससे कि उस ऑफेंडर के खिलाफ अभियोजन चलाया जा सके। ठीक, और आगे देखें तो सेक्शन 340 जो है वो प्रोसीजर बताता है जिसमें कंप्लेंट कैसे प्रिफर किया जाएगा। ठीक, अब आपके समक्ष चार कॉलम आ रहा है जिसमें सेक्शन 195 से लेकर 199 तक के सेक्शंस के बारे में उनके ऑफेंस और उनके सैंक्शन और प्रोसीक्यूशन से संबंधित कॉलम बने हुए हैं, यानी कि ये जो अपराध है 195 से लेकर 199 तक इसके किसके इनिशिएशन पे अभियोजन चलाया जा सकता है उसके लिए सेपरेट कॉलम और अपराध से संबंधित सेपरेट कॉलम बने हुए हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है सेक्शन 195(1)(a) जो कि कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 172 से लेकर के 188 आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड के 172 से लेकर के 188 तक में जितने भी लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना से संबंधित अभियोजन के लिए जिसमें वो या तो ऐसे अपराध के लिए प्रयत्न किए हैं या आपराधिक षड्यंत्र किया हुआ है या दुष्प्रेरण किया हुआ है, तो ऐसे अपराध का अभियोजन तभी चलाया जा सकता है जब किसी लोक सेवक ने कंप्लेंट दाखिल किया हो या ऐसा लोक सेवक जो कि
संबंधित जो ऑफेंडर है उसका सुपीरियर अथॉरिटी के अंतर्गत वो लोक सेवक आ रहा हो तो उसके कंप्लेंट पे ही ऐसे अपराध का संज्ञान या अभियोजन हो सकता है। सेकंड है सेक्शन 195(1)(b) का रोमन 1 जो अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस की बात करता है, यानी ऐसा अपराध जो लोक न्याय के विरुद्ध है, जैसे इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 193 से लेकर 196, 199, 200, 205, 211 और 228। ठीक, फिर 1B का रोमन 2 अगेंस्ट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि फॉर्जरी हो गई है सेक्शन 463 में या 471 में, 475, 476, ऐसे दस्तावेज है जिसमें कूटनीति की गई है या इससे संबंधित कोई भी अपराध है, तो ऐसे अपराध का संज्ञान या अभियोजन तभी चलाया जा सकता है जब संबंधित न्यायालय या सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट ने कंप्लेन दाखिल की हुई है। ठीक है, तभी ऐसे अपराध का संज्ञान होगा और उसका अभियोजन चलाया जाएगा। तीसरा है सेक्शन 195(A) जो कि ट्रीटिंग टू एनी विटनेस टू गिव फॉल्स एविडेंस अंडर सेक्शन 195(A) ऑफ द इंडियन पैनल कोड। याद रखिएगा ये दोनों सेक्शन एक जैसा है, चाहे सीआरपीसी का हो चाहे इंडियन पैनल कोड का हो, सेम सेक्शन है। और सेक्शन क्या कहता है आईपीसी का, वो ये कहता है कि धमकी देने आदि की दशा में साक्ष्यों के लिए प्रक्रिया और ऐसे अपराध से संबंधित अभियोजन तभी चलाया जा सकता है जब जिसके समक्ष किया जा रहा हो वहाँ का गवाह ने या किसी अन्य व्यक्ति ने जिसके समक्ष ये सब किया गया है उसने कंप्लेंट दाखिल किया हो, तभी ऐसे अपराध का संज्ञान लिया जाएगा और अभियोजन किया जाएगा। सेक्शन 196 जो सीरियल नंबर 4 पे है, जो कि ये प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, अर्थात राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन किया गया हो, जो कि चैप्टर 6 ऑफ द इंडियन पैनल कोड में सेक्शन 153(a), 295(a), 505(1) के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है तो इसका अभियोजन तभी किया जाएगा जब प्रायर सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मिल जाएगा, यानी कि जैसा भी मैटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रायर सैंक्शन के बाद ही ऐसे अपराध का अभियोजन चलाया जाएगा। सीरियल नंबर 5 पे है 196(1)(a) में, ये अगेंस्ट रिलीजन है, अगेंस्ट रिलीजन अंडर सेक्शन 153(b), 505, 203 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, यानी धार्मिक ठेस से संबंधित कोई अपराध अगर हो रही है तो उसका भी अभियोजन तभी चलाया जाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्न जहाँ पर अपराध हुई है उसे सैंक्शन मिल जाने के बाद ही ऐसे अपराध का अभियोजन होगा। सीरियल नंबर 6 है 196(2), यह है कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र अदर देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ या इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स, आजीवन कारावास या डेथ से या इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक का कोई आपराधिक षड्यंत्र है, इससे संबंधित अगर कोई अपराध है तो इसमें तभी अभियोजन चलाया जाएगा जब स्टेट गवर्नमेंट ने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 155(3) या नॉन क्रिमिनल ऑफेंस है इसलिए 155(3) के अंतर्गत जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट और डीएम ने कंप्लेंट फाइल किया हो तभी जो है ऐसे अपराध का संज्ञान और अभियोजन होगा। सीरियल 7 है सेक्शन 197, ये ऑफेंस कमिटेड बाय जज, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट, यानी ऐसा कोई अपराध है जिन्होंने जिसमें जो है अपराधी जो है कोई और नहीं बल्कि खुद लोक सेवक है या मजिस्ट्रेट महोदय या न्यायाधीश है। ठीक है, तो इनके खिलाफ भी ऐसा अपराध तभी चलाया जा सकता है जब तक कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जैसा मैटर हो सैंक्शन पैर सैंक्शन नहीं मिल जाता है, तब तक ऐसे अपराध का न तो संज्ञान लिया जाएगा और न ही इसका अभियोजन होगा। सीरियल 8 पे है 197(2) और (3), सबसेक्शन 2 और 3 दोनों भी हैं कि ऐसा कोई अपराध है जो कि किसी आर्म्ड फोर्सेस ने कर रखा है, आर्म फोर्स मतलब आर्मी, नेवी, एनएएफ फोर्स या कोई भी सेंट्रल पुलिस या स्टेट पुलिस अगर अपराध कर रखी है
और ऐसे पुलिस कर्मी द्वारा या आर्म्ड फोर्सेस द्वारा कोई अपराध की जाती है तो उनके खिलाफ भी ऐसे अपराध का संज्ञान या अभियोजन तभी चलाया जा सकता है जब कंसर्न्ड गवर्नमेंट से प्रायर सैंक्शन मिल गया हो, यानी जो संबंधित जो उपयुक्त सरकार है उन सरकार से परमिशन लेने के बाद ही ऐसे आर्म फोर्सेस के अपराध के खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा और अभियोजन चलाया जा सकता है। सीरियल 9 पे सेक्शन 198 यानी वो ऑफेंसेस जो चैप्टर 20 ऑफ द इंडियन पैनल कोड ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज से संबंधित है, ऐसे अपराध का संज्ञान या कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा जब कंप्लेनेंट एग्रीव पर्सन खुद हो या उसके रिलेटिव यानी या तो ब्लड रिलेशनशिप हो या मैरिज से हो या अडॉप्शन से रिलेटिव बने हो, उसके कंप्लेंट पे ही ऐसे अपराध का संज्ञान या अभियोजन हो सकता है। ठीक, सीरियल 10 पे 198(6) यानी कि मैरिटल रेप, यानी वो ऑफेंस जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में है। ठीक है, इसमें यह है कि इस ऑफेंस का कंप्लेंट जो अग्रीव्ड पार्टी यानी वाइफ होगी वो घटना के एक साल के अंदर कंप्लेंट फाइल की हो तभी ऐसे अपराध का संज्ञान होगा और उसका अभियोजन चलेगा। 198 कैपिटल ए यानी क्रुएल्टी अंडर सेक्शन 498 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन पैनल कोड, इसके भी ये ऑफेंस का भी संज्ञान तभी लिया जाएगा जब वाइफ और उसके रिलेटिव ने कंप्लेंट फाइल की हो। सीरियल 12 पे 198 कैपिटल बी ये रेप बाय हस्बैंड है अंडर सेक्शन 376 बी कैपिटल बी ऑफ द इंडियन पैनल कोड, इस अपराध का भी संज्ञान तभी लिया जाएगा जब वाइफ ने कंप्लेंट किया हो। और सीरियल 13 पे है सेक्शन 199 सबसेक्शन 1 जो कि डिफेमेशन ऑफ एनी पर्सन यानी मानहानि संबंधित है जो कि डिफाइंड है सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, और ये मेजर ऑफ फर्स्ट क्लास के समक्ष पेश किया जाएगा और इसमें तभी कॉग्निजेंस लिया जाएगा जब अग्रीव पर्सन ने खुद कंप्लेंट फाइल कर रखा हो। सीरियल 14 पे है जो लास्ट है सेक्शन 199 सबसेक्शन 2, ये डिफेमेशन अगेंस्ट डिग्नेटरीज एज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर मिनिस्टर्स एंड पब्लिक सर्वेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ये कंप्लेंट जो डिफेमेशन हुआ अगेंस्ट डिग्नेटरीज इसका कंप्लेंट जो है सेशन कोर्ट द्वारा कॉग्निजिबल होगा लेकिन तभी होगा जब अग्रीड पर्सन यानी जो डिग्नेटरी है वो थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर और विद इन 6 मंथ जब घटना घटी है 6 महीने के अंदर एक कंप्लेंट फाइल किया हो विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तभी ऐसे ऑफेंसेस का संज्ञान होगा और उसका अभियोजन चलाया जाएगा। एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जो सेक्शन 195 से 199 में उसका कॉग्निजेंस ले लिया गया है और डेट टू विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर सैंक्शन, प्रायर अप्रूवल और प्रायर सैंक्शन लिए बिना ही अगर ऐसे अपराध का अभियोजन हो जाता है तो वो तब तक वॉइड नल एंड वॉइड नहीं होगा जब तक इससे अन्याय ना हो या न्याय मिलने में विफलता ना हो, तब तक ऐसे अभियोजन का अस्तित्व खत्म नहीं किया जाएगा, वो चलता जाएगा भले प्रायर सैंक्शन के बिना ही वो अभियोजन चल रहा हो। ठीक है, तो जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो तब तक ऐसे प्रोसीडिंग को नल एंड वॉइड नहीं की जाती, उसको सेट साइड नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि सेक्शन 198 जो ऑफेंसिव अगेंस्ट मैरिजेस है ऑफ द सीआरपीसी ये डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 पे लागू नहीं होता है। अब आइए अपराध के संज्ञान क्या कोई परिसीमन के अंतर्गत आती है, यानी कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस को लेने का जो समय अवधि है अगर वो निकल जाता है यानी किसी परिसीमा में वो फंस जाती है तो क्या परिसीमन के पश्चात यानी समय अवधि निकल जाने के पश्चात भी ऐसे अपराध जो घटित हो चुकी है उसका संज्ञान लिया जा सकता है या नहीं, इसी से संबंधित टॉपिक को हम इस स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए लिमिटेशन और एक्सटेंशन, ये जो है सबसे पहली बात ये है कि जो कॉग्निजेंस है ये कहीं डिफाइंड नहीं है पूरे सीआरपीसी में,
बट लिटरली इसका मतलब ये होता है कि मजिस्ट्रेट महोदय ने या न्यायालय ने जब उनके समक्ष कंप्लेंट आया सेक्शन 200 में, तो उन्होंने कॉग्निस लेते हुए 202 और 204 का प्रोसेस इशू कर दिया, यानी समन और वारंट इशू कर दिया अगेंस्ट द अक्यूज्ड, यानी जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई है, ठीक है। और इसे कहा जाता है नॉर्मली या प्रैक्टिकली देखा जाए कि जब समन इशू हो जाता है या वारंट इशू हो जाता है, तो माना जाता है कि मजिस्ट्रेट और न्यायालय ने जो है वो अपने माइंड का अप्लाई कर दिया है, यानी जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो गया है एंड द मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट हैज टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑफेंस, जिससे वो श्योर हो सके, सुनिश्चित हो सके कि वास्तव में जो कंप्लेंट फाइल की गई है वो अपराध घटित हुई है भी या नहीं। इसी बात को एपेक्स कोर्ट ने तुलाराम वर्सेस किशोर सिंह 1977 सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान किसी अपराध का कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट महोदय लेते हैं तो उसका तात्पर्य क्या होता है। अब आइए संज्ञान के परिसीमन पे आते हैं, यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 468, और ये जो डेफिनेशन है 467 में दिया हुआ है, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है वो सेक्शन 468 में दिया हुआ है। 468 सबसेक्शन 2 ये कहता है बार फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, यानी कि किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए बार करता है अगर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन दी गई है उसके बाद ली गई तो, ठीक है। दैट इज लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, यानी समय अवधि यानी परिसीमन दिया हुआ है, जैसे लिमिटेशन एक्ट में वैसे यहाँ पर लिमिटेशन है कि किसी भी अपराध का जो संज्ञान लेने का जो समय है वो निश्चित है, उसके बाद कोई भी न्यायालय वो संज्ञान नहीं ले सकती जब तक कि उस परिसीमन को एक्सटेंड ना किया जाए या डिले को कंट्रोल ना किया जाए, ठीक है। तो जैसे अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन है, यानी कोई अपराध जिसकी सजा सिर्फ फाइन से की गई है, तो उसका लिमिटेशन 6 महीने तक है, यानी कि ऐसे अपराध का संज्ञान सिर्फ 6 महीने के अंदर ले लेना चाहिए, 6 महीने के पश्चात ऐसे अपराध की संज्ञान नहीं ली जा सकती। दूसरा है ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2-1 ईयर, यानी कोई ऐसा अपराध है जिसकी सजा 1 साल तक है, तो उसका लिमिटेशन जो है संज्ञान लेने का वो भी 1 साल तक का है, ठीक है, 1 साल के बाद नहीं ले सकते। फिर ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर to 3 ईयर्स, कोई ऐसा अपराध है जिसकी सजा जो है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक है, तो संज्ञान लेने की जो अवधि है वो 3 साल तक का है, यानी 1 साल से अधिक की सजा हो या 3 साल तक की सजा है तो उसकी जो समय अवधि है संज्ञान लेने का उस अपराध का वो सिर्फ 3 साल तक है, 3 साल के बाद संज्ञान नहीं ली जा सकती। गौर करने वाली बात ये है कि अपराध जो है वो सीधे राष्ट्र के खिलाफ होता है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होता है, और इसीलिए इसका लिमिटेशन जो है वो ऐसे अपराधों तक का है जहाँ पर जिसकी सजा 3 साल तक है, बस वहीं तक जो है लिमिटेशन काम करता है, उसके आगे लिमिटेशन काम नहीं करता। यानी कि कोई ऐसी अपराध है जिसकी सजा 3 साल से ऊपर है तो उसका संज्ञान कभी भी ली जा सकती है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक। अनलिमिटेशन है ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 198(6) में, जहाँ पर मैटर रेप की बात की गई है, जहाँ वाइफ 16 साल से कम है, तो वहाँ पर लिमिटेशन ये है कि ऐसे अपराध जो मैटर रेप है उसका 1 साल के अंदर कंप्लेंट दाखिल होना चाहिए, वरना 1 साल के बाद इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। उसी तरह से सेक्शन 199(2) में है प्रोजिक्यूशन फॉर डिफेमेशन अगेंस्ट डिग्नेटरीज, यानी गवर्नर मिनिस्टर अगर पब्लिक सर्वेंट है तो ऐसे अपराध का संज्ञान तभी लिया जा सकता है जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 6 महीने के अंदर जब घटना घटी विदिन 6 मंथ्स आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर सैंक्शन ऑफ द कंसर्न्ड गवर्नमेंट उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी हो, अगर 6 महीने के बाद कंप्लेंट फाइल करेंगे तो फिर ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा, भले ही संज्ञान सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायाधीश द्वारा ही क्यों ना ली जा रही हो, फिर भी 6 महीने के बाद ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं ली जाएगी। कुछ ऐसे अपराध हैं जिसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, यानी कोई परिसीमन उसका होता ही नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया एक जो अपराध जिसकी सजा 3 साल से ऊपर है वहाँ पर लिमिटेशन लागू नहीं होता है। उसके साथ साथ ऐसा अपराध जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन
यानी सामाजिक आर्थिक से संबंधित है, यानी इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स बचा हुआ है, ऑक्ट्रॉय टैक्स है, बॉर्डर फीस एक्ट है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एक्ट है, इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत कोई ड्यू है, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट के अंतर्गत है, कोई लैंड रेवेन्यू है या गवर्नमेंट कोई ड्यू है, तो उसका भी लिमिटेशन नहीं होता है। इसको भी किसी भी समय वसूली की जाती, रिकवरी की जाती, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पब्लिक एक्सचेकर है, और इसलिए इसका कभी रिकवरी हो सकती है। तीसरा है सेक्शन 319 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि समन टू एडिशनल अक्यूज्ड ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल 319 के अंतर्गत, यानी ट्रायल के दौरान जब किसी मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम FIR दर्ज नहीं है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, लेकिन सस्पेक्टेड है, ठीक है, और लग रहा है कि वो अपराध में शामिल हो सकता है, तो उसे समन की जाती है, जबकि उसका नाम कहीं नहीं आता है, लेकिन एविडेंसेस के दौरान, ट्रायल के दौरान पता चलता है कि एक नया व्यक्ति उभर के आया हुआ है जो लग रहा है कि इसने अपराध किया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब समन इशू किया जाता है तो उसे इन सेक्शन 319 कहते हैं ऑफ द CRPC। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी समन इशू करने का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। नाउ 469 जो कि बताता है कि कमिसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी कि जो परिसीमन है किसी अपराध का संज्ञान लेने का, उसका शुरुआत कब से होगा, तो ये उस तारीख को होता है जिस दिन अपराध घटित हुई है, पहली बात। दूसरी बात, या जिस दिन उस अपराध के घटित होने की सूचना मिली है या जानकारी हुई है बाय द अग्रीव पर्सन, जो भुक्तभोगी, या बाय द पुलिस ऑफिसर, जिसको भी नॉलेज मिला, ज्ञान मिला अपराध घटित होने का, उस दिन से ही कमिसमेंट शुरू हो जाता है, पनिशमेंट काल शुरू हो जाता है। तीसरा है, उस तारीख को जिस तारीख को किसी अक्यूज्ड व्यक्ति, जो आरोपित व्यक्ति है, उसकी डिस्कवरी हुई है, उसका पहचान हुई है, या ये साबित हो गया है कि अग्रीव पर्सन के द्वारा या बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, जैसे भी किसी अपराधी व्यक्ति का पहचान सुनिश्चित हो जाती है, ये पुख्ता हो जाता है कि किसी ने अपराध घटित हुई है, तो उस तारीख से भी संज्ञान की परिसीमा शुरू हो जाती है। हालांकि जिस दिन अपराध घटित होने की सूचना मिलती है या जानकारी प्राप्त होती है, या जिस दिन आरोपित व्यक्ति की खोज होती है, उसकी पहचान होती है, वो दिन परिसीमन काल से अलग कर दी जाती है, यानी कि परिसीमन काल के अवधि में वो दिन जिस दिन घटना घटित होने की सूचना मिली है या आरोपित व्यक्ति की पहचान हुई है, उस दिन को हटा दिया जाता है, ठीक। अगला है सेक्शन 472, जो कि कहता है एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, यानी अपराध लगातार घटित होती रहती है, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी आपराधिक न्यास भंग, एडल्ट्री यानी व्यभिचार, क्रुएल्टी यानी क्रूरता जैसे संबंधित अपराध, जो कि सेक्शन 406, 497, 498 ए ऑफ द इंडियन पेनल कोड, ये सारे जो है लगातार होने वाली घटना है। अपेक्स कोर्ट ने प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार 1985 में 406 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग से संबंधित मामले को हेल्ड किया है, और ये कहा है कि वाइफ के डिमांड करने पर अगर उसका स्त्री धन उसके हस्बैंड या रिलेटिव मना करते हैं, तो जितने बार वो मांगेंगे उतने बार न्याय परिसीमन काल शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 406 जो है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, लगातार होने वाली अपराध है। सेक्शन 473 ये सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट की तरह है, जहाँ पर डिले कंडोन किया जाता है, यानी कि विद इन टाइम अगर किसी ऑफेंस का कॉग्निस नहीं लिया गया है और उसे सफिशिएंट ग्राउंड पे या रीजनेबल ग्राउंड के आधार पर ये साबित कर दिया गया अकॉर्डिंग टू सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट कि वक्त पे किसी अपराध का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया है, तो उस रीजनेबल ग्राउंड के आधार पर डिले को कंडोन कर दिया जाता है और जो लिमिटेशन पीरियड फॉर टेकिंग काउंटिंग ऑफेंस उसे एक्सटेंड कर दी जाती है। सेक्शन 470 को देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जिसे पीरियड ऑफ लिमिटेशन में काउंट नहीं किया जाता है, यानी कि इन ग्राउंड को एक्सक्लूड कर दिया जाता है परिसीमन काल से, ठीक। जैसे कि एंगेजमेंट इन अंडर कोड विद गुड फेथ फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी अभियोजन पक्ष जो है किसी अभियोजन
के लिए किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त थे और तभी उसी दौरान जो है परिसीमन काल पूरा हो गया, तो इसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दूसरा, ग्रांट ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर टू स्टे द प्रोसीडिंग्स, जिस समय कॉग्निजेंस का परिसीमन समाप्त हो रहा था उसी के आसपास जो है किसी न्यायालय से किसी पक्षकार ने इंजंक्शन ऑर्डर प्राप्त कर लिया है। तीसरा, टाइम टेकन फॉर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफेंस, यानी कि जिस अपराध का संज्ञान लेना था वो अपराध बिना गवर्नमेंट के प्रायर सैंक्शन या अप्रूवल के बिना संज्ञान नहीं ली जा सकती थी, और उस अप्रूवल को लेने में समय ज़्यादा लग गया और जो संज्ञान का परिसीमन काल है वो समाप्त हो गया, तो इसे भी इग्नोर कर दिया जाएगा। और चौथा है, द डेट फ्रॉम विच द ऑफेंडर एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम इंडिया और कंसीलिंग हिमसेल्फ फ्रॉम अरेस्ट, यानी जिस तारीख से आरोपित व्यक्ति इंडिया से बाहर भागा हुआ है या अपने आप को छुपा रहा है अरेस्ट करने से, उस तारीख से लेकर के जिस तारीख को उसकी गिरफ्तारी होगी वो समय अवधि परिसीमन काल से निकाल लिया जाएगा। ठीक, सेक्शन 471 ऑफ द सीआरपीसी कहता है कि अगर परिसीमन काल उस तारीख को पूरा हो रहा है जिस दिन कोर्ट यूजुअली बंद रहती है, यानी गजेटेड या रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे है, तो फिर उस तारीख को परिसीमन काल समाप्त नहीं होगा बल्कि उस तारीख को समाप्त होगा जिस दिन कोर्ट फिर से खुल जाएगी। अर्थात अपराध का संज्ञान उस दिन लिया जाएगा जिस दिन कोर्ट खुलेगी, ना कि उस दिन जिस दिन कोर्ट बंद रहेगी। दैट्स इट फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो में हम नए प्रश्न, उसके उत्तर, संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।